महज 20 रुपए को लेकर हुए विवाद में गुंडों ने दिन दहाड़े जलता हुआ पेट्रोल पंप फेंक कर पंप को आग लगाने का प्रयास किया। यह वारदात शनिवार की दोपहर शास्त्री नगर स्थित राजलक्ष्मी पंप पर हुई। तत्काल आग पर काबू पाने से भीषण वारदात टल गई है। लक्कड़गंज पुलिस ने आरोपी ओमकार टाले उम्र 44 साल एनआईटी गार्डन शास्त्री नगर तथा सूरज डहा के उम्र 23 साल जय भीम चौक हिवरी नगर को गिरफ्तार किया। सूरज हत्या का आरोपी जबकि ओमकार शराब तस्करी करता है। दोनों दोपहर 2:30 बजे टेलीफोन एक्सचेंज चौक स्थित पंप पर आए। उन्होंने कर्मचारी स्वप्निल कुम्हार से बाइक में 40 रुपए का पेट्रोल भरने को कहा। स्वप्निल ने 60 रुपए का पेट्रोल डाला और आरोपी स्वप्निल से विवाद करने लगे। स्वप्निल के मास्क पहनने की नसीहत देने पर आरोपी मारपीट करने लगे। स्वप्निल के साथियों ने बीच बचाव कर मामला सुलझाया। आग बबूला होकर आरोपी वर्धमान नगर के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। वहां से बोतल में 50 रुपए का पेट्रोल खरीदा। पुनः घटनास्थल पहुंचे टाले ने बैंडेज की पट्टी से बोतल में सुराख कर बैंडेज की बाती बनाई। इस पेट्रोल बम में आग लगाकर पंप की मशीन की ओर फेंका। दूरी से फेंके जाने से पेट्रोल बम मशीन से कुछ अंतर पर गिर पड़ा। करीब ही टैंकर से पेट्रोल भूमिगत टंकी में खाली किया जा रहा था। अचानक आग लगने से पेट्रोल पंप कर्मियों में खलबली मच गई। उन्होंने उपकरण से तत्काल आग को बुझा दिया। इसी बीच आरोपी फरार हो गए। वारदात का पता चलते ही लक्कड़गंज के PI पराग पोटे हरकत में आ गए। उन्होंने बाइक नंबर के आधार पर धरपकड़ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यदि पेट्रोल पंप मशीन अथवा ऑयल टैंकर के करीब गिरता तो उससे होने वाली जान हानि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पेट्रोल पंप के चारों ओर रिहायशी बस्ती और दुकानें हैं। बोतल में पेट्रोल की बिक्री नहीं की जा सकती। आरोपियों को बोतल में पेट्रोल देने वाले पंप संचालक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। दिनांक 1/5/2021 रोजी फिर्यादीने आमच्याकडे तक्रार दिली की राजलक्ष्मी पेट्रोल पंपवर काही इसम दोन इसम हे मोटरसायकलने आले आणि त्यांनी पेट्रोल भरण्याच्या पैशावरून वाद केला। तो वाद त्यांनी सामोपचारांना सोडवण्याचा प्रयत्न केला। ते ऐकण्याच्या मनस्थिती नव्हते। 1-2 तासांनी ते परत आले आणि त्यांनी एका बॉटलमध्ये पेट्रोल भरून आणि त्याला आग लावून पेट्रोल पंपावर फेकून पेट्रोल पंप जाळण्याचा प्रयत्न केला। यावरून दोन्ही आरोपींविरुद्ध 436 आणि इतर कर्मांमुळे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे। या पेट्रोल पंपाच्या गुन्ह्यात फक्त गाडीचा नंबर होता। आमच्या DB पथकाच्या कर्मचाऱ्यांनी गाडीच्या नंबरवरून 1 तासाच्या दोन्ही आरोपींना अटक केली। दोन्ही आरोपींचे नाव सूरज ढाके वय 24 वर्ष आणि ओंकार टाले यांना अटक करण्यात आली आहे। दोघे सध्या MCR होते। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट BCN न्यूज़ नागपुर।